देश के कोने में जब कोई शहीद होता है तो पूरे क्षेत्र का प्रशासनिक अमला, राजनैतिक लोग और स्थानीय लोग बड़े गर्मजोशी के साथ शहीद और उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, कई वादे करते हैं, गौरवान्वित होने की बात करते हैं और परिजनों की हर संभव मदद की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने तो कहा था कि हाँ, आपका बेटा गया लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, हाँ, मैं आपकी देखरेख करूँगा, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, तो क्या सरकार और यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं आपकी सेवा करते हैं, कभी मिलने आते हैं? कभी नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है कहीं कि ये शहीद का घर है, यहाँ आके पता करना है कि क्या समस्याएं हैं? कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शहीद के परिजनों को समाज, सरकार और प्रशासन से वही सम्मान हमेशा प्राप्त होता है या नहीं? इसका जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। आप ये बताइए, कितना सम्मान मिलता है आपको? आपके घर गांव में एक शहीद की माँ है, पूरा देश सम्मान करता है। अभी आपकी जहाँ भी वीडियो जाएगी लोग आपको नमन करेंगे, आपको सराहेंगे कि आपने अपने सपूत को देश के लिए सौंप दिया, है ना? हम अच्छों के चल लगे। बेटा तो चला गया, कुछ मिला नहीं है तो बेटी को, और हम नहीं करे रहे। अच्छा, हाँ, हार्ट अटैक की बीमारी है। अच्छा, आपको, हाँ, तो सरकार उसमें कुछ सहायता नहीं करती आपकी इलाज के लिए? आपके बेटे होते तो वो तो हर कोशिश करते आपका इलाज करवाने। अब वो फलित मारे तो बूढ़ा है आज, उनको भी, हाँ, 50 साल हो गया। बेटा रहा था, करत रहे हैं, अच्छे आपकी सेवा करते, हाँ, अच्छे सेवा करते थे। मध्य प्रदेश के रीवा के त्योंथर का एक गांव है ककरहा, जहाँ के लक्ष्मीकांत जी छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में सेवारत थे, जो दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हो गए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कई वादे किए। ये वादे स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष और प्रभारी मंत्री द्वारा किए गए थे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने तो अपने वादे निभा दिए। वो पूरे हुए? हाँ, वो पूरे हुए, लेकिन इस तरफ से नहीं हुए है। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भी वादा किया था उन लोगों ने पूरा कर दिया, और मध्य प्रदेश सरकार ही है जो जिसने एक भी वादा लगभग लगभग पूरा नहीं किया? नहीं, एक भी नहीं कि बस सिर्फ मकान भी किए हैं, बस मकान, उसमें भी आपको पैसे देने? हाँ, उसमें पैसे दिए। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को अपने वादे शायद याद नहीं रहे। शिवराज सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, 1 मकान, 1 सरकारी नौकरी, गांव के विद्यालय का उन्नयन करके विद्यालय का नाम शहीद के नाम पर करने तथा शहीद स्मारक तक सड़क और स्मारक में उनकी मूर्ति बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन परिजनों को काफी जद्दोजहद के बाद महज 1 घर मिल पाया है, उसके लिए भी परिजनों ने काफी पैसे अदा किए। बाकी वादों में अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। कुछ पैसे नहीं, कितना देने के लिए घोषणा की है? नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं, एक को पैसा नहीं मिला। अच्छा, हाँ, अभी तो घर मिला है ना, पैसा मिला है, घर तो मिला है लेकिन पैसा, नौकरी नहीं मिली, वही से परेशान है, मिल जाए तो ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ तक अभी कोशिश किया नौकरी के लिए? अब रीवा तक किए थे मेरे देव लोग सब, यही बोलते हैं कि 1 महीना में हो जाएगा, हफ्ता भर में हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं, काम हो जाए आपका। मतलब मेरे मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे देवर लोग जाते हैं सब पास। सरकारी घोषणा के अनुसार शहीद लक्ष्मीकांत जी के समाधि स्थल तक पहुंच मार्ग बनाने की बात कही गई थी, जिसकी दूरी महज 500 मीटर है, लेकिन दुर्भाग्य से वो मार्ग तो नहीं बन पाया, बल्कि परिवार के परिजनों के ऊपर रोड को लेकर कई मुकदमे जरूर कायम हो गए हैं। आपको बता दें कि शहीद के पिता के ऊपर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि शहीद के पिता कई वर्षों से लकवा ग्रस्त हैं। ऐसे में सहयोग की जगह जिस तरह से परिवार उपेक्षा का शिकार हो रहा है,
वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के प्रयास से किसी तरह मुरुम डालकर रोड निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वो भी स्थानीय लोगों के कारण बंद कर दिया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि मौजूदा रोड पर लोगों ने अतिक्रमण करके घर तक बना डाले और शहीद के घर तक चार पहिया वाहन पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल का काम है। शहीद के परिजन स्थानीय विधायक सांसद एसडीएम से कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। घोषणा किए थे 1 करोड़ का नौकरी का, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो उसके लिए आपने यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, एसडीएम है और भी जो सरकारी अमले के लोग हैं, तो उन तक आपने पहुंचने की कोशिश की? हाँ, कई बार गए थे मेरे घर वाले सब देवर, तो बोलते हैं कि उस साल में हो जाएगी, महीना में हो जाएगा, हफ्ता में हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। अभी तीन साल बीत गया, अभी हुआ नहीं है, अभी तक कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। शहीद लक्ष्मीकांत जी के परिजन कहते हैं कि उनके साथ बहुत भद्दा मजाक किया जा रहा है। अगर सरकार को कोई लाभ नहीं देना है तो सरकार साफ मना कर दे, झूठी आस दिखा कर ना रखे। तो यहाँ विधायक हैं, उनके पास आपके घर वाले कभी गए या विधायक जी कभी आपके यहाँ आके सुध ली कि हमारे यहाँ के शहीद का घर है, चल के देखते हैं कि घर परिवार का विधायक लोग नहीं आ, लेकिन मेरे देवर कई बार गए हैं उनके पास। अच्छा, एप्लीकेशन को बोलते हैं कि हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, हफ्ता में हो जाएगा, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, कभी कुछ होता ही नहीं। बार बार आते हैं ड्यूटी, तब भी जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मिलने जाते, 2 बार भोपाल गए थे, बोलते हैं हो जाएगा काम आपका। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे आपके पति वहाँ जंगल में लड़ाई लड़ रहे थे दंतेवाड़ा में, आप यहाँ के जंगल में नेताओं के चक्कर में, शासन प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर में आप भी एक जंग ही लड़ रही हैं। क्या है? और कम से कम कुछ स्थानीय लोगों के दबाव में झूठे मुकदमों में ना फंसाए, झूठे मामलों में हमें फंसाना बंद कर दे। हमारी समस्याएं पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। हमने देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन आज भी हम एक जंग लड़ रहे हैं और ना जाने कितने लोग ऐसी जंग लड़ रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि शहीद के परिवार होने की इतनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। मामले को लेकर परिजनों ने हमसे बातचीत करके अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचाकर समाधान करने की मांग रखी है। इससे आगे की जानकारी के लिए आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा हो। हमारे देश में देश की रक्षा करने वाले लोगों को जब शहीद होते हैं तो पूरे देश में उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो लोग शहीद होते हैं उनके परिवार वालों को देश के भीतर के दुश्मनों से भी लड़ना पड़ता है। किसी परिवार का दीपक बुझ जाता है, उस दीपक के बुझने के बाद न जाने कितने लोग और ये शासन प्रशासन, राजनैतिक जन नेतृत्व कितने वादे करता है, कितने वादे खिलाफत करता है, इन सारी चीजों से किस तरीके से एक परिवार जूझता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। हमारे साथ ककराहा गांव की लक्ष्मी जी, जो शहीद हुए दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में, उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके भाई। तो माता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हालांकि आपके आपने पुत्र को खोया है, ये बहुत ही दुखद बात है। उस दिन जब ये सारी घटना हुई, उस दिन सारी चीज़ें हुई होंगी, तो लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद रही होगी, हो सकता है कि वो चीज़ें आपको ध्यान में ना हो, लेकिन जब वो वक्त बीत गया, लगभग 3 वर्ष का समय हो रहा है, तो समाज और प्रशासन किस तरीके से आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? कोनो सहयोग नहीं होता। और किस तरीके की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? जैसे गुजारा होते से गुजारा कर रहे हैं, का कुछ नहीं किए, कुछ करत हैं, जात हैं लड़का है, गने हैं, तो जात हैं, आवत है, कहते हैं 1 महीना में हो जाइए, 10 दिन में हो जाइए, कुछ नहीं हो। 3 सालों से लगातार आप लोग इसी तरीके से जूझ रहे हैं। हाँ। और उस घटना के बाद यहाँ पर विधायक जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी भी आए थे? नहीं आए। क्यों नहीं? तब से लेकर के अभी तक आप लोग कहा आए रहे? जब खत्म भर रहे तब आए रहे, तब से बक्के नहीं आए। उस वक्त कौन कौन आए थे?
अब हमको काम मालूम है, मैं तो हो सही नहीं। भैया आपको पता हो जब ये घटना हुई थी, जब शहीद हुए थे लक्ष्मी जी, तो यहाँ पर कौन कौन जनप्रतिनिधि आए? जनप्रतिनिधि यहाँ पे सीएम के तौर पे राम खिलावन पटेल मंत्री जी आए थे, और हमारे सांसद महोदय आए थे, विधायक आए थे, और इधर दो तीन विधानसभा के विधायक थे अपने विभिन्न क्षेत्र से। क्या क्या घोषणाएं और क्या क्या वादे किए गए थे आपके परिवार? घोषणाएं तो सीएम की तरफ से 1 करोड़ की सम्मान निधि और 1 मकान तथा परिवार के 1 सदस्य को नौकरी की थी, और विधानसभा अध्यक्ष जी आए थे तो विद्यालय का नवीनीकरण करके उनके नाम पर विद्यालय करना और उनकी मूर्ति स्थापित करना आदि घोषणा करके गए थे, जिनमें अभी कुछ पूर्ण नहीं हुई है, सिवाय 1 मकान मिला है, उसमें भी अपने तरफ से कुछ पैसे दे करके आधा अधूरा मकान का भी कार्य है, और नौकरी सम्मान निधि का कोई बात ही नहीं है, अभी कुछ मिला ही नहीं है, और ना ही रोड का काम कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ये घटना छत्तीसगढ़ में हुई थी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी कुछ वादे किए गए रहे होंगे, तो वो वादे क्या थे और क्या वो पूरे हुए? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो भी वादे हुए थे। क्या वादे किए गए? वादे तो यही कुछ सम्मान निधि का था, क्योंकि वहाँ कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, नक्सल प्रभावित स्टेट है, तो वहाँ पे वादे अधिकतर तो नहीं होते, वहाँ कैजुअलिटी होती रहती है, तो जो भी वादे किए गए थे पूर्ण हो चुके हैं, और बाकी यहाँ के तो भी कुछ है, वही मकान का अधूरा कार्य हुआ है। कौन लिया गया था मुख्यमंत्री महोदय से जब आपने मुलाकात? जी भैया गए थे मुलाकात करने के लिए, तो रीवा हवाई पट्टी पर उनकी 2 मिनट की मुलाकात हुई थी, जिसके तौर पर उन्हें फाइल दे दी थी, फाइल देने के बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। किसी प्रकार का आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया हो कि 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद या 4 दिन? जी उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं दिखवा लूँगा जल्द ही, इसको संपन्न करवा दूँगा, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या मांग है आपकी, क्या आप एक चाहें? यही एक, हाँ नौकरी मिल जाए, पैसा जो घोषणा किए ये भी मिल जाए, अब मिल जाए तो नौकरी तो एक रहने लगे घर में, तो माँ बाबू ससुर के ले जाए वहीं रखें, सेवा भी हो जाए, बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी। शिक्षा को लेकर के भी शासन से कुछ मांग रखना चाहते हैं आप, जो आपके बच्चे हैं इनकी शिक्षा को लेकर के? अभी तक मिला नहीं है, बिल्कुल हो गया, अभी तक नहीं मिला, अब बोलते हैं हो जाएगा, 1 महीना आपका काम हो जाएगा, हो गया, ऐसे करते करते 3 साल हो गए। आप एक शहीद की पत्नी हैं, ऐसे देश भर में प्रदेश भर में ना जाने कितने शहीद होंगे जिनके परिवारों को इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो जो देश के बाहर के दुश्मनों से लोग लड़ते हैं और देश के भीतर की जो जंग आप लड़ रही हैं, तो इसमें कितनी समानता पाते हैं, कितना कष्टकारी है? समानता कुछ नहीं, कष्ट तो बहुत है, क्या क्या बता, नाया भी नहीं जा सकता है नहीं। और विधायक जी से जैसे आप लोगों ने मुलाकात की होगी, सांसद जी से भी मुलाकात की होगी, कुछ तो प्रतिक्रिया उन्होंने दी होगी, क्या प्रतिक्रिया दी? विधायक और सांसद से कई बार मुलाकातें हुई, इसके लिए उनसे कहा गया, उनका आश्वासन यही रहता है चलिए कोशिश करूंगा, कार होगा, अभी सीएम साहब आ रहे हैं 9 तारीख को, उसके लिए भी हम लोग विधायक जी से मिले, उन्होंने बोला कि देखिए संभव तो नहीं है यहाँ पे मुलाकात कर लेना सीएम से, लेकिन फिर भी कोशिश करवाते हैं, अब उनकी कोशिश की कैसी है, पिछले तरह रह जाएगी कि या फिर आगे बढ़ेगी, ये तो पता नहीं। आपके घर तक आने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, ये एक काफ़ी समस्याग्रस्त मार्ग है, इस मार्ग पे अतिक्रमण भी है, ये मार्ग पूरी तरीके से निर्मित भी नहीं हुआ, तो जो आपके गांव में विद्यालय का नाम शहीद के नाम पर करने के को लेकर के घोषणा की गई थी, आपके घर तक रास्ते निर्माण की घोषणा की गई थी, ये रास्ता काफ़ी समस्याग्रस्त है, तो इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए? अभी तक तो कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं, उस समय वर्तमान कलेक्टर इलैया राजा टी थे, उनके आदेशानुसार ये रोड मिट्टी मुहरम का तो कार्य हो गया था, उसके बाद मिट्टी मुहरम कार होने के बाद अब रोड में स्थिति आ गई है कि इसमें अतिक्रमण होना शुरू हो गया है, अब जो जहां जैसे पा रहा है अतिक्रमण अपना करना शुरू कर दिया है रोड के नाम पे, तो ये समझिए कि कई बार कई लोगों से बोला भी गया, जनप्रतिनिधियों से भी बोला गया, अधिकारियों से भी बोला गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, और ये रोड ना ही बन पा रही है। रही बात विद्यालय की, तो विधानसभा अध्यक्ष जी आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्होंने घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी तक उनके घोषणे में कोई असर नहीं दिखा, और ना ही विद्यालय का कुछ हुआ, ना नाम चेंज हुआ और ना ही विद्यालय को आगे बढ़ाया गया,
हालांकि करके बोल के गए थे कि विद्यालय को आगे बढ़ा करके 8वीं तक है 10वीं तक किया जाएगा, उसके बाद शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी का नाम दिया जाएगा और रोड पर भी उनके समाधि स्थल तक रोड बनाई जाएगी जो 5 किलोमीटर रोड का दे के गए थे। तो 5 किलोमीटर रोड में तो 1 मीटर भी नहीं बन पाई है, वही बस मुरम मिट्टी का कार्य हुआ था। अब ये है कि उसमें अतिक्रमण शुरू हो गया है। जैसे इस रोड में अतिक्रमण है तो क्या कोई आपराधिक प्रकरण भी इस चीज़ को लेकर के दर्ज हुए हैं शासन प्रशासन स्तर पर या पुलिस? कोई कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा हम लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं इस रोड के लिए। यही हम लोगों के ऊपर नहीं, जिला कलेक्टर और सरपंच सचिव और SDM ये सबको मिला के कुल 12-13 लोगों के ऊपर मुकदमे भी पंजीबद्ध हैं। मुकदमे का आधार क्या है, क्या है मुकदमे में? बस मुकदमे का आधार यही रोड है कि हमारे यहाँ से रोड नहीं जाने पाएगी, और उसके बावजूद अब लोगों ने पिलर खड़ा करना शुरू कर दिया है रोड पर ही। वह पिलर खड़ा होने के बाद स्थिति ये रहेगी कि आप बाइक से तो निकल जाएंगे, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ गई 4-व्हीलर आने के लिए तो आप संभव नहीं है कि यहाँ आ जाएंगे। जो ये शहीदों के नाम पर जो देश की रक्षा करने वालों के ऊपर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो आपके परिवार को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन आपके साथ एक भद्दा मजाक कर रहा है। बिल्कुल भद्दा मजाक ही कर सकते हैं, बल्कि यह कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग मध्य प्रदेश का आखिरी छोर पड़ता है। ये हम लोगों का अंतिम गांव है, यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो बल्कि यह कहना जायज होगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग मध्य प्रदेश में हम लोगों का ग्राम पंचायत पड़ती है, क्योंकि अभी तक ना कोई रोड कुछ भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल में एक गाँव की ज़रूरत होती है। और रही बात शहीद परिवार की, तो शहीद परिवार में ज़रूरत होती है, प्रशासन को भी चाहिए कि किसी न किसी को भेजकर यहां का हाल चाल लिया जाए, लेकिन ऐसा तो अभी तक हुआ ही नहीं। रही बात जो वायदे किए गए थे वो भी नहीं पूर्ण हो पा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय आपकी बात सुन रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री महोदय से हम एक ही बात कहेंगे कि एक शहीद जो होता है अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि शहीद परिवार को, उनके बच्चों को सही शिक्षा और जो सम्मान नीति का वादा घोषणा किए हैं, रहने की व्यवस्था किया जाए, उनके समाधि स्थल तक रोड का निर्माण करवा दिया जाए, और कुछ न कुछ उनकी याद में, उनकी स्मृति में कुछ मूर्ति या स्कूल का जो उन्नयन करने का था यही कर दिया जाए, ताकि उनको आगे चलकर आगे आने वाली पीढ़ी को, हम जैसे युवाओं को एक प्रेरणा मिले, देश के प्रति समर्पण रखने का भाव मिले। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मुख्यमंत्री महोदय जी घोषणा करना छोड़ दें, घोषणा ही न करें। और एक घोषणाओं से बेहतर है कि घोषणाएं ना ही की जाएं। और निश्चित तौर पर हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक शहीद जब देश के लिए शहीद होता है तो वह अपना सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देता है, लेकिन उसके पीछे भी परिवार होता है, उसके पीछे भी कुछ लोग होते हैं जो जिनकी आशाएं अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने पति से होती हैं। लेकिन जब सरकारें, जब शासन प्रशासन एक शहीद के परिवार से कई वादे करता है, उस शहीद को लेकर के कई दावे करता है और गौरवान्वित होने की बात करता है, तो फिर उसे यह ढोंग नहीं रचना चाहिए कि लोगों को हर रास्ते से गुजरने के लिए एक ऐसा फील करे कि वादा खिलाफी उनके साथ की गई, उनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। सरकारों को अपने स्तर पर विशेष तौर पर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ना सिर्फ लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी जैसे शहीद, बल्कि देश के कोने कोने में होने वाले शहीदों की तरफ भी ध्यान देते हुए जो उचित व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान तत्काल करने के साथ ही इस तरह की व्यवस्थाएं कराई जानी चाहिए कि गरीब जो परिजन हैं या जो शहीदों के परिजन हैं, उन्हें भद्दे मजाक की जगह उन्हें भी गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हो और वह भी अपने पुत्र, अपने शहीद बेटे के ऊपर गौरवान्वित हो सके। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।